हेलो बच्चों, कैसे सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम वॉल्यूम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पहले हम जानेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन क्या है, यानी वॉल्यूम परसेंटेज एक्जैक्टली आपका क्या होता है। फिर वॉल्यूम परसेंटेज को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे एग्जाम्पल्स के हेल्प से। ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स को आपको अच्छे समझना है। फिर तीसरा हम जानेंगे वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, यानी आप वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। और लास्ट में हम देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो आज की वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी तो मेरी गारंटी है आज आप इस टॉपिक को बिल्कुल मास्टर कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए बच्चों, पहले हम अच्छे समझ लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। वॉल्यूम परसेंटेज को बच्चों मैं आपको पहले बता दूं, वॉल्यूम परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी बाय वी परसेंट से। अब वॉल्यूम परसेंटेज एग्जैक्टली हमें क्या बताता है, तो वॉल्यूम परसेंटेज बच्चों में सिंपली बताता है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर आपका कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का प्रेजेंट है। यानी वॉल्यूम परसेंटेज सिंपली हमें बताता है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर आपका कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, बस आपको ये बताता है। आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ भी सकते हो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, इसको और बेटर तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। अब सपोज करो आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन को इस तरीके से एक्सप्रेस कर रखा है, आपको दे रखा है 10% वी बाय वी इथानोल इन वाटर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका इथानोल है वो वाटर के अंदर डिजोल्व है, यानी इथानोल यहाँ पे आपका सोल्यूट है और वाटर यहाँ पे आपका क्या है, सोलवेंट है। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो सोल्यूशन है किस किस से मिलकर बना है, इथानोल यानी इथानोल यहाँ पे आपका सोल्यूट है और दूसरा आपका किसके अंदर घुला है, इथानोल आपका वाटर के अंदर, वाटर आपका यहाँ पे सोलवेंट है, और दोनों मिलकर आपके क्या बना रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं। अब इसके बाद अगर आपको यहाँ पे टोटल सोल्यूशन आपका अगर 100 ml हो तो उसके अंदर आपका जो इथानोल है वो कितना है, 10%, यानी इसके अंदर आपका इथानोल कितना है, 10%। तो 100 ml का 10% कितना हो जाएगा आपका, 10 ml, और यहाँ पे बचा है आपका क्या हो जाएगा, 90 ml आपका वाटर हो जाएगा। इतना आसान है। इसके बाद आपको और बेटर तरीके से समझा दूं मैं, अगर यहाँ पे मान लो 10% की जगह 20% होता, यहाँ पे लिखा हुआ होता 20% वी बाय वी इथानोल इन वाटर, तो फिर इसके बाद इसका मतलब क्या होता, फिर अगर आप यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन 100 ml का लिखते तो उसके अंदर आपका इथानोल कितने परसेंट होता, 20% बाय वॉल्यूम होता, यानी फिर आपका 20 ml बाई 20% कितना होगा, 100 का 20 ml होगा, और फिर 80 ml आपका वाटर होता। तो आपको परफेक्टली समझ में आ चुका होगा कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान समझना, जैसे मैं बताऊंगा ऐसे समझते चलना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 35% वी बाय वी इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर, यानी यहाँ पे आपका, आगे मत पढ़ना भी, आगे मैं आपको खुद बताऊंगा, पहले यहाँ तक देखो। तो यहाँ पे आपका क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल वाटर के अंदर डिजोल्व है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे आपका क्या है, सोल्यूट है। तो यहाँ पे आप बच्चों आपका क्या है, जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे आपका सोल्यूट है और ये किसके अंदर डिजोल्व है, वाटर के अंदर, और दोनों मिलकर आपका क्या बना रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 35%, यानी अगर आप टोटल सॉल्यूशन 100 ml का लो तो इसी परसेंट में चलेगा। अब 100 ml का 35%, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35%, तो इसका 35% कितना होगा, 35 ml, और बचा है 65 ml आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका सॉल्यूशन है। अब बच्चा जो है आपका सॉल्यूशन है इथाइलिन ग्लाइकोल वाला, यानी 35% वी बाय वी इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर का जो सॉल्यूशन है, ये एक एंटी फ्रीज की तरह काम करता है। अब एंटी फ्रीज का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा, आप पहले आगे देखते चल जाओ। इस सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं कार्स के रेडिएटर के अंदर। रेडिएटर क्या होते हैं, जो गाड़ी की हीट होती है ना, गाड़ी के इंजन की हीट होती है, उसको बाहर रेडिएट करता है और इंजन को ठंडा रखता है। तो आपका जो ये वाला सॉल्यूशन है किसके अंदर यूज किया जाता है, गाड़ी के रेडिएटर के अंदर यूज किया जाता है फॉर कूलिंग द इंजन, यानी इंजन को ठंडा रखने के लिए। यानी जो आपका सॉल्यूशन है 35% वी बाय वी इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर वाला, ये आपका कूलेंट की तरह काम करता है। तो सिंपली जो आपका सॉल्यूशन है इसे हम किसकी तरह यूज करते हैं, एज अ कूलेंट। कूलेंट हमारा क्या होता है, इसको हम किसके अंदर डालते हैं, इस सॉल्यूशन को हम डालते हैं रेडिएटर के अंदर, और रेडिएटर मैंने आपको बताया रेडिएटर आपका क्या करता है, कूल करता है इंजन को, यानी कूल करता है, कूल द इंजन, तो गाड़ी के इंजन को ठंडा करने में आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। अब यहाँ पे एंटी फ्रीज का मतलब क्या था, और हम इस सॉल्यूशन को क्यों यूज करते हैं, यानी सिंपल वाटर क्यों नहीं यूज कर लेते, हम इस सॉल्यूशन को यूज क्यों करते हैं, तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो नीचे यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन टाइप में बना रखा है और यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिखा रखा है आपको। डायग्राम सिर्फ आपको देखने के लिए, इसमें ज्यादा नहीं घुसना, आपको ज्यादा डीप नहीं जाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रेडिएटर कैसा होता है, ये आपका रेडिएटर होता है, रेडिएटर का फैन वगैरह दिख रहा होगा आपको, ये आपका रेडिएटर होता है और यहाँ पे आपका कूलेंट डलता है। बस इसको आपको इतना देखना है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हम इस सॉल्यूशन को यूज क्यों करते हैं, हम सिंपल वाटर यूज क्यों नहीं करते। तो देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन ये फॉर्म में, व्हाई इज ग्लाइकोल एंड वाटर, जो हमारा ग्लाइकोल और वाटर का मिक्सचर है, इसको यूज करते हैं कार रेडिएटर के अंदर।
इन कोल्ड कंट्रीज, कोल्ड कंट्रीज के अंदर। अब जो बच्चों हमारी कोल्ड कंट्रीज होते हैं, कोल्ड कंट्रीज के अंदर क्या है, जो हमारा टेम्परेचर है भाई आप सबको पता है, मैं यहाँ पर देखो अच्छे से लिख देता हूँ, जो हमारा वाटर होता है आप सबको पता है भाई, जो वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो हमारी कोल्ड कंट्रीज होती हैं, जो हमारी कोल्ड कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तो माइनस में चला जाता है भाई, 0 से कम चला जाता है, यानी वहाँ पे तो माइनस में चला जाएगा आपका टेम्परेचर। तो वहाँ पे हमारा वाटर क्या है, वाटर तो फ्रीज हो जाएगा। यानी अगर हम कोल्ड कंट्रीज के अंदर वाटर यूज करेंगे कोलेंट की तरह, तो वाटर आपका क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और वाटर आपका अगर फ्रीज हो जाएगा तो रेडिएटर को क्या कर देगा, भ्रष्ट कर देगा, यानी रेडिएटर को आपके खराब कर देगा, उसे फाड़ देगा, तो आपका रेडिएटर काम नहीं करेगा। और जब आपका रेडिएटर काम नहीं करेगा तो इंजन को कैसे ठंडा करोगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट ये है, हम इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन यूज करते हैं। इस सॉल्यूशन की खास बात क्या होती है, इस सॉल्यूशन का जो लगभग फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है माइनस का 17.6 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -17.6 डिग्री सेल्सियस। तो हम इस सॉल्यूशन को यूज करते हैं। अब एंटी फ्रीज वर्ड आता है ना जो आपका, उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो एंटी फ्रीज वर्ड का मतलब था, जो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है किसकी तरह काम करता है, एंटी फ्रीज की तरह काम करता है। यानी इथाइलिन ग्लाइकोल आपका क्या करता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है। इसलिए हम इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर के अंदर मिक्स करके कूलेंट की तरह यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे आंसर ही पढ़ सकते हो आप, ये आपका देखो आंसर, इथाइलिन ग्लाइकोल लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट। जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो क्या कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटा देता है वाटर का। ड्यू टू दिस, इसके कारण जो हमारा क्या है, द कूलेंट इन रेडिएटर्स, जो रेडिएटर के अंदर क्या है, जो हमारा कूलेंट है, विल नॉट फ्रीज, वो फिर जमता नहीं तो पानी तो जम जाएगा। अदरवाइज द रेडिएटर विल बर्स्ट, नहीं तो रेडिएटर आपका क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, ड्यू टू द फ्रीजिंग ऑफ कूलेंट, यानी वाटर के फ्रीज होने से। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, हम वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो देखो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला कितना आसान है, वॉल्यूम परसेंट यानी हमारा क्या होता है, वी बाय वी परसेंट। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला वी है ये तो रिप्रेजेंट करता है सोल्यूट की वॉल्यूम को, तो ऊपर तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, ऊपर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ऊपर हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिखेंगे। और नीचे वाला वी आपका रिप्रेजेंट करता है सोल्यूशन की वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और परसेंट का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, इसमें आपको क्या दे रखा है, चलिए अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है डिटरमाइन द वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वी बाय वी परसेंट निकालना है हमें ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय कंबाइनिंग, यहाँ पे जो कंबाइन किसी किसे कंबाइन करके बना रखा है सॉल्यूशन, 25 ml ऑफ इथानोल यानी 25 ml इथानोल विद NF वाटर, यानी वाटर के अंदर डिजोल्व कर रखा है। और यहाँ से जो आपका टोटल सॉल्यूशन बना रखा है कितने ml का बना रखा है, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो मैं जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे गिवन है हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट होने हमारे यहाँ पे इथानोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें दे रखी है इथानोल कितना, 25 ml। इसके बाद फिर यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन हमारा कितने ml का है बच्चों, यहाँ पे हमारा 200 ml। चलिए अब इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, तो बहुत आसान है, देखो कितनी जल्दी से कर दोगे आप। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वी बाय वी परसेंट निकालना है। तो ऊपर हम क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 25 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना है, 200 ml। नीचे में रखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 से 0 बटे 2, 2 से काटोगे आपका, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 12.5%। तो इतना आपका वी बाय वी परसेंट निकल के आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बच्चों होमवर्क छोड़ रहा हूँ मैं, बहुत आसान है, आपसे इजीली कर लोगे। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो बाय, लव यू गाइस।